तो नोकिया ने अपनी एंट्री एक बार फिर से मार्केट में नोकिया G65 जिस स्मार्टफोन को लॉन्च करके कर दी है और इस स्मार्टफोन की प्राइस भी सामने आ चुकी है। नोकिया ने इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है 30,000 रुपए की प्राइस में, जिसके साथ में आपको एक 3600 रुपीज का नोकिया का ईयरबड्स फ्री मिलेगा। लेकिन क्या इसके बाद भी नोकिया का ये स्मार्टफोन मार्केट में कमाल कर पाएगा या नहीं, क्योंकि यार 2022 खत्म होने वाला है और नोकिया एक स्मार्टफोन को लेकर मार्केट में एंट्री कर रही है और वो फोन को लॉन्च करी है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। क्या कर रहे हो नोकिया वालों, मतलब फोन के डिजाइन को देखकर तो यार प्राइस सेट करनी चाहिए, मतलब इतनी आउटडेटेड डिजाइन लगती है आज के टाइम में, वाटर ड्रॉप नॉच और उसकी प्राइस इतनी ज्यादा, मतलब यार एकदम ओवर प्राइस में इस स्मार्टफोन को नोकिया ने लॉन्च किया है। वेल, अब काफी सारे लोग सोचेंगे कि यार वीडियो के स्टार्ट होते ही मैं इस स्मार्टफोन के कौन सा आपको बता रहा हूँ, इस स्मार्टफोन की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन आपको सारी सच्चाई इस स्मार्टफोन के बारे में इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो इस स्मार्टफोन में कुछ अच्छी बातें भी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अगर इस स्मार्टफोन की कुछ अच्छाइयों की बात करें, कुछ प्रोस की बात करें, तो ये स्मार्टफोन बना है 60% रीयूज प्लास्टिक से, ये इस स्मार्टफोन की अच्छी बात है। उसके अलावा इस स्मार्टफोन में IP52 की वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट मिलता है, साथ यहाँ पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। उसके अलावा बहुत ही फास्ट एक्सपीरियंस के लिए आपको इस स्मार्टफोन में मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट, जो एक 5G चिपसेट है, और यहाँ पर आपको 50 megapixel की प्राइमरी लेंस वाला कैमरा मिलता है। यार ये सारे स्पेसिफिकेशंस, वो भी 30,000 रुपए की प्राइस में, मार्केट में इससे ज्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी 20,000 रुपए की कम की प्राइस में आपको 108 megapixel के कैमरे वाले फोन मिल रहे हैं, साथ ही एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन अवेलेबल है, वो भी 20,000 रुपए से कम की प्राइस में। क्या कर रहे हो यार नोकिया वालों। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की कि यार एक्चुअल में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस नोकिया प्रोवाइड करने वाला है इस स्मार्टफोन में। सो इस स्मार्टफोन को नोकिया ने लॉन्च कर दिया है और 7 या 8 नवंबर से इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के बिल्ट इन डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्ट इन डिजाइन आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का ही मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट डिजाइन की अगर बात करें तो 2022 खत्म होने वाला है और नोकिया एक फोन लॉन्च कर रहा है जिसमें आपको जो फ्रंट डिजाइन मिलता है वो मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। यार फोन का बैक डिजाइन मैटर नहीं करता है, आप कवर लगाते हैं तो वैसे ही हाइड हो जाता है, लेकिन यार फ्रंट डिजाइन तो काफी मैटर करता है। अगर आप 25,000 से 30,000 रुपए ले रहे हैं तो यहां पर एटलीस्ट पंच होल डिस्प्ले होना चाहिए था, चाहे टॉप सेंटर में हो या फिर लेफ्ट में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन एटलीस्ट पंच होल डिस्प्ले यहां पर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपको पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलेगा। उसके साथ ही आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, IP52 की वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाएगा। फोन के वेट की बात करें तो 190 ग्राम फोन का वेट है। जो फोन का चिन पार्ट है वो भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो यार ऐसे में आज की डेट में कंपनीज बेजल लेस स्मार्टफोन्स बना रही है और पता नहीं क्या क्या इनोवेशन हो चुके हैं, लेकिन नोकिया फोन लॉन्च कर रहा है इस डिजाइन के साथ में। तो अगर बात करते हैं डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको LCD पैनल वाला डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट मिल जाएगी, और यहां पर आपको ओनली 500 ब्राइटनेस निट का सपोर्ट मिलेगा। एटलीस्ट इस प्राइस में नोकिया को एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपको डिस्प्ले के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं फोन के कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलेगा, ओनली 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको इस स्मार्टफोन के रियर कैमरा सेटअप में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ओनली 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, और फोन के दोनों ही कैमरे से आप फुल HD रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही कर पाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। 60 FPS तो आप भूल ही जाइए, लेकिन यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। फोन की बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, जो यार आज के टाइम में 4500 mAh, फोन 5G है, तो यहाँ पर जब फोन 5G नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो ऑब्वियसली जो फोन की बैटरी का कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि यार 4500 mAh की बैटरी आपको कितना बैकअप दे पाएगी। फोन ओनली 20 volt की फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के मेन फैक्टर, इस स्मार्टफोन के चिपसेट की। तो इस स्मार्टफोन में आपको फास्टेस्ट परफॉर्मेंस वाला चिपसेट मिलेगा, जो होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट, जो एक 5G चिपसेट है, और 5G के आपको इसमें 10 बैंड्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग N77 और N78। सो यहां पर आपको 5G को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो फोन रन करेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर। सो अगर प्राइस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि नोकिया ने इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है
29,999 रुपीज की प्राइस में, और ओनली एक ही वेरिएंट आपको यहां पर मिलेगा 6+128 वाला। यहां पर आपको दो कलर्स मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस यार, मैं तो आपको इस स्मार्टफोन को लेने की बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट्स में इससे ज्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी इससे कम प्राइस में। हो सके तो इस स्मार्टफोन को स्कीप करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार कहीं से भी किसी भी एंगल से ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी डील हो पाएगी आपके लिए। तो यही सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाएगी। नोकिया G65 स्मार्टफोन अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे थे, तो आपको कुछ हकीकत इस स्मार्टफोन की जो है वो समझ में आ गई होगी। सो यही सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो जो है वो देखने को मिलती रहती है। सो मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।